टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। पति ने की पत्नी की हत्या, नागपुर जिले की घटना। कन्हान से संवाददाता मोतीराम रहाटे की रिपोर्ट। नागपुर जिले की पारशिवनी तहसील अंतर्गत आने वाले कन्हान थाना अंतर्गत आने वाली टेकाड़ी कोयला खदान ग्राम पंचायत अंतर्गत महाजन नगर निवासी एक 28 वर्षीय युवक ने चाकू घोप कर अपनी 25 वर्षीय पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी, जिसके कारण परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेकाड़ी कोयला खदान महाजन नगर निवासी अमित नारायण भोयर ने कामठी निवासी दुलेश्वरी रामकृष्ण देवगणे से 2022 में प्रेम विवाह किया था। विवाह के कुछ माह के बाद ही दोनों में नोकझोंक होने लगी। इसी रोज रोज की नोकझोंक से तंग आकर आरोपी ने मंगलवार सुबह लगभग 8:30 बजे घर में रखे चाकू से मृतक के गले में जोरदार वार कर घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया तथा कन्हान थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर कन्हान थानेदार सार्थक नेहते अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए तथा शव का पंचनामा कर शव विच्छेदन के लिए कामठी उप जिला रुग्णालय भेजा गया है। कन्हान पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सकाळी 9:30 वाजेच्या सुमारास अमित नारायण भोयर राहणार वॉर्ड नंबर 2 टेकाळी हा कन्हान पोलीस स्टेशनला समक्ष हजर झाला व त्याने सांगितले की मी माझ्या पत्नीचा गळा चिरून खून केलेला आहे। आपल्याला ही माहिती मिळताच आपण तत्काळ पोलीस पथकासह या ठिकाणी धाव घेतली तर या ठिकाणी किचनमध्ये त्याची पत्नी निश्चित पडलेली होती आणि प्रथमदर्शनी असे दिसत आहे की अमित यांनी पत्नी दुलेश्वरी हिचा गळ्यामध्ये निंजा चाकू घोपकून खून केलेला आहे। पुढील तपास आपण करीत आहोत।